कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हराया, पॉइंट्स टेबल में तहलका मचाया। जी हां गाइस, कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को बहुत बुरी तरह से हराया और उन्हें प्ले ऑफ से बाहर का रास्ता दिखाया। अगर गाइस हम हर टीमों की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन की बात करें तो नंबर वन पे है राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 8 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 16 पॉइंट के साथ नंबर वन के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट प्लस 0.622 है। तो वहीं नंबर दो के पोजीशन पे है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 7 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 14 पॉइंट के साथ नंबर दो के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट प्लस 1.098 है। अब नंबर तीन के पोजीशन पे है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 6 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 12 पॉइंट के साथ नंबर तीन के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट प्लस 0.094 है। अब नंबर चार के पोजीशन पे है सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 6 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 12 पॉइंट के साथ नंबर चार के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट प्लस 0.072 है। तो वहीं नंबर पाँच के पोजीशन पे है चेन्नई सुपर किंग्स, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 5 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 10 पॉइंट के साथ नंबर 5 के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट प्लस 0.627 है। अब नंबर 6 के पोजीशन पे है दिल्ली कैपिटल्स, जिन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 5 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 10 पॉइंट के साथ नंबर 6 के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट -0.442 है। तो वहीं नंबर 7 के पोजीशन पे है पंजाब किंग्स, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 4 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 8 पॉइंट के साथ नंबर 7 के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट 0.062 है। अब नंबर 8 के पोजीशन पे है गुजरात टाइटन, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 4 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 8 पॉइंट के साथ नंबर 8 के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट -1.113 है। तो वहीं नंबर 9 के पोजीशन पे है मुंबई इंडियंस, जिन्होंने अब तक 11 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने 3 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 8 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है इनको। फिर भी 6 पॉइंट के साथ नंबर 9 के पोजीशन पे हैं, क्योंकि इनका नेट रन रेट -0.356 है। अब नंबर 10 के पोजीशन पे है रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, जिन्होंने अब तक 10 मैच खेले हैं जिसमें इन्होंने केवल 3 मैचों में जीत हासिल की है, तो वहीं 7 मैचों में बुरी तरह से हार कर 6 पॉइंट के साथ नंबर 10 के पोजीशन पे हैं। तो गाइस, इस प्रकार से है पॉइंट्स टेबल में हर टीमों की पोजीशन।